टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज केएल राहुल का बल्ला टी20 वर्ल्ड कप में खामोश है। टीम इंडिया के पिछले दोनों मैचों में राहुल कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने अपना विकेट जैसे तोहफे में दिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। राहुल ने टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ 13 रन बनाए हैं। अब वो पूर्व कप्तान विराट की राह पर चल पड़े हैं और उन्होंने इसके लिए एक दिग्गज से मदद मांगी। दरअसल 30 साल के राहुल फॉर्म में नहीं है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के पिछले दो मैचों में कुल 13 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ वो 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं नीदरलैंड्स के खिलाफ 9 रन के निजी स्कोर पर उन्होंने मैकेरन को अपना विकेट दे दिया। उनके फैंस बड़ी पारी का इंतजार कर रहे हैं। वो कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग को उतरते हैं, लेकिन विकेट जल्दी गंवाने के चक्कर में दूसरे बल्लेबाजों पर दबाव आने की दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में अब उन्होंने टीम इंडिया के मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी एप्रन से मदद मांगी है। केएल राहुल ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अभ्यास मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सुपर 12 राउंड में जैसे उनका बल्ला खामोश हो गया है। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करने के बाद राहुल ने कोचिंग स्टाफ के साथ एक विशेष नेट सेशन में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट की माने तो राहुल ने अब टीम इंडिया के मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी एप्रन से मदद मांगी है। पैडी एप्रन ने विराट कोहली को खराब फॉर्म से बाहर निकालने में भी मदद की। जानकारी मिली है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले अपटन राहुल के से खास बातचीत करेंगे। बेंगलुरु के रहने वाले राहुल टी20 फॉर्मेट के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने अब तक टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 2 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं। वो भारत के लिए 68 टी20 मैचों में कुल 2150 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका औसत 39 का रहा है। उन्होंने टी20 में ओवरऑल 199 मैचों में 6677 यानी 6770 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक 57 अर्धशतक शामिल है। ऐसे में केएल राहुल का फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए भी बहुत जरूरी है, और अगर केएल राहुल का फॉर्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापस आ जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए भी अब खतरे की घंटी बज रही है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।